हाँ तो गाइस, हाउ टू मेक इल्यूजन वीडियोस और हाउ टू फाइंड दिस इल्यूजन पिक्चर्स। तो देखो गाइस, तुम अगर यहाँ पे एक फेक वीडियो क्रिएटर हो तो तुमने अपने यहाँ पे शॉर्ट फिल्म में कुछ इस टाइप का यहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो जरूर देखा होगा। अब अगर तुमको पता नहीं कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है तो मैं तुमको एक यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, ये इल्यूजन बहुत कमाल का है। इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास की चीजें सिकुड़कर छोटी हो रही हैं। तो अभी आपको सिर्फ 30 सेकंड तक इसके पूरे सेंटर में फोकस करना है। बिना पल के झपकाए आपको बस इसके सेंटर को ही देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, इसका जो सेंटर होता है वहाँ पे तुमको कॉन्सेंट्रेट करके रखना होता है 30 सेकंड के लिए। उसके बाद तुमको यहाँ पे जो काफी गजब टाइप का मैजिक देखने को मिलता है। तो देखो, ये वाला वीडियो का लिंक डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ जाकर ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कि तुम किस तरह से इस टाइप का यहाँ पे वीडियो बना सकते हो जिससे तुम्हारा जो फैक्ट चैनल है उसमें तुम्हारा काफी अच्छा तुमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बिकॉज ये वाले वीडियो जो यहाँ पे काफी ज्यादा वायरल होते हैं, काफी ज्यादा इस पे व्यूज आते हैं, क्योंकि ये इल्यूजन वाले वीडियोस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड इसमें ऑडियंस रिटेंशन जो होता है, जो वॉच टाइम होता है, वो भी तुमको काफी ज्यादा मिलता है यहाँ पे। बिकॉज लोग यहाँ पे जो वेट करके देखते रहते हैं इल्यूजन को 30 सेकंड या 40 सेकंड तक, एंड उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे जो ऑडियंस रिटेंशन होता है या जो तुम्हारे यहाँ पे वॉच टाइम होता है वो तुम्हारे यहाँ पे जो इंक्रीज होता रहता है एंड तुम्हारे जो वीडियो यहाँ पे वायरल हो जाता है। तो अभी तुम्हें से जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो तो मैं सारे लोगों को बोलूंगा कि तुमको कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो भी करना चाहिए। अगर तुम्हारा एक फैक्ट चैनल है तो उस पर तुम इजिली जो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो डाल सकते हो, उससे तुमको यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखो, मैं तुमको सबसे पहले यहाँ पे बताने वाला हूँ कि तुमको किस टाइप से ये वाला जो वीडियो क्लिप्स को फाइंड करना है, कुछ इस टाइप का जो यहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन होता है इसको तुमको किस टाइप से फाइंड करना है। एंड उसके बाद मैं तुमको बताने वाला हूँ कि इसको तुमको किस टाइप से यहाँ पे डाउनलोड करना है। एंड वीडियो डाउनलोड होने के बाद वो वाले वीडियो को मैं यहाँ पे काइनमास्टर पे इंपोर्ट करा के मैं तुमको थोड़ा वहाँ पे भी कुछ बता दूंगा। एंड वीडियो के एंड में मैं तुमको काफी अच्छा सजेशन देने वाला हूँ ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन से रिलेटेड, जिससे तुम्हारे चैनल में तुमको काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है, तुम्हारे चैनल जो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुमको काफी सारा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखो, ऑप्टिकल इल्यूजन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तुमको यहाँ पे जो प्ले स्टोर पे आ जाना है। एंड प्ले स्टोर पे आने के बाद तुमको यहाँ पे सर्च का आइकन दिख रहा हो, ठीक है, सर्च के आइकन पर तुमको सर्च करना है इल्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगा, कौन सा वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वाला जो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन है जिसका यहाँ पे 1 करोड़ प्लस का डाउनलोड है, तुमको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब तुमको अभी वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, बस भाई अब तो मुझे यहाँ पे जो एप्लीकेशन मिल गया अब मैं तो इसको जो डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, ये वाला ऐप में जो डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डाउनलोड इसको अलग तरह से करना पड़ता है, तो किस टाइप से डाउनलोड करना पड़ता है वो मैं तुमको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो छोड़ने का गलती मत करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, लाइक देखो, जैसे तुम यहाँ पे इल्यूजन सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अब देखो मैं ये वाला वीडियो में मैं तुमको जो है एक एप्लीकेशन के बारे में वही बताऊंगा। ठीक है, बट तुम ऐसे कोई वाला एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लाइक देखो ये वाला जो पहला वाला हम लोग का एप्लीकेशन है, ठीक है, मान लो इसमें तुम्हारा जो यहाँ पे 15 इल्यूजन है। ठीक है, तो अब 15 इल्यूजन पे तो 15 वीडियो बन गया। ठीक है, अब उसके बाद तुमको यहाँ पे दूसरा इल्यूजन चाहिए रहेगा। ठीक है, अब दूसरा इल्यूजन चाहिए रहेगा तो तुमको दूसरा वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एंड इस पर तुम्हारा जब सारा वीडियो बन जाए, सारा कंटेंट निकल जाए इससे भी, तो देन उसके बाद तुमको तीसरा वाला निकाल लेना। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ वाला निकाल लेना। तो कुछ इस टाइप से तुमको काम चलाना। ठीक है, मतलब तुमको कोई मतलब ये जितने भी ऐप आ रहे हैं सारे को तुम एक बार यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट सारा एक बार डाउनलोड मत कर लेना, वरना फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक ऐप को डाउनलोड करना, उस पर सारा वीडियो बनाना, देन ही दूसरा ऐप को डाउनलोड करना। ठीक है, बढ़िया वाला वीडियो में मैं तुमको एक एप्लीकेशन के बारे में ही बताने वाला हूँ, वो ये वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे पहला वाला, इसके बारे में मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड वगैरह करना है। एंड वो जो तुम्हारा जो भी मैं बताऊंगा वो सारा ऐप में जो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से तुम यहाँ पे जो काम चला लेना। तो ठीक है, तुमको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इल्यूजन बोल के ये वाला एप्लीकेशन है, 1 करोड़ प्लस का इसका डाउनलोड है। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो कुछ इस टाइप से मैं इसको यहाँ पे जो ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग का ये वाला ओपन होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे तुमको बहुत सारा इल्यूजन देखने को मिल जाएगा। ये वाला हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये वाला सेकंड रो है, एंड ये वाला हम लोग यहाँ पे जो थर्ड रो है। ठीक है, एंड इसको तुम सेलेक्ट करोगे तुमको तो और भी यहाँ पे लोड ले रहा है। ठीक है, मतलब इस पर तुमको बहुत सारा जो इल्यूजन देखने को मिल जाता है। ठीक है, लाइक मैं तुमको सबसे पहला वाला यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करते हो तो तुमको यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि किस टाइप से ये वाला जो है इल्यूजन काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक तुमको यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट करना है बीच में। ठीक है, बीच में फोकस बनाए रखना है। तो हम यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो इल्यूजन है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो तुम्हारा टाइमर भी चल रहा है। ठीक है, लाइक 25, 24, 23 है ना, 22, 21, 22 है ना, कुछ हिसाब से 20, 19, 18 कुछ हिसाब से बैकवर्ड चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे होम पर आइकन के यहाँ पे तुमको एक होम का आइकन देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ हिसाब से यहाँ पे जैसे होम का आइकन पर क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे होम पे आ जाओगे तुम। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि और भी यहाँ पे बहुत सारा इल्यूजन है। ठीक है, लाइक मैं ये वाला को प्ले करता हूँ। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कुछ हिसाब से ये वाला हम लोग का इल्यूजन है। देन इसके बाद मैं तुमको ये वाला दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का कुछ यहाँ पे इल्यूजन है। ठीक है, तुमको बहुत सारा इल्यूजन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड इसका क्या इंस्ट्रक्शन है तो तुम यहाँ वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आइकन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, कि तुमको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे टाइमर वगैरह भी चलता है। ठीक है, ये वाला लाइन वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला है। तो यहाँ पे तुमको बहुत सारा इल्यूजन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो वीडियो बनाने में, और इस पर तुम जो वॉइस ओवर देकर जो है ऑडियंस को बता सकते हो कि बीच में फोकस करो और तुम्हारे सामने कुछ यहाँ पे जो मैजिक होने वाला है। ठीक है, मुझे क्या बोलता हूँ भाई मैं, है ना, मैजिक होने वाला है। कुछ इस टाइप से तुम वीडियो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मैं तुमको बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, अब मगर जी कोई वाला भी इल्यूजन को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोड का यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी निशान नहीं। ठीक है, डाउनलोड का कोई भी बटन नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक होम का बटन है, एंड इसी के साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाला बटन है। ठीक है, तो देखो अब इसको डाउनलोड करने के लिए तुमको यहाँ पे यूज करना होगा एक जुगाड़। अब जुगाड़ बोले तो इंडियन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंडियन है,
तो हम लोग को यहाँ पे जुगाड़ करना आना चाहिए, ठीक है। अब जुगाड़ क्या है भाई, तुमको यहाँ पे जो डाउनलोड करना पड़ेगा एक चीज को, उस चीज का नाम है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। अब अगर तुम्हारे फोन में ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डर है तो तुमको डाउनलोड करने का भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ये वाला जो है रिकॉर्ड कर लेना है 30 सेकंड तक, ठीक है। तो अब तुमको प्ले स्टोर पर बहुत सारा जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन मिल जाएगा, अगर तुमको ये वाले भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली जो सारे फोन में जो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके तुमको जो है ये वाला को रिकॉर्ड कर लेना है पूरा स्टेप से, ठीक है। तो कुछ स्टेप से यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे स्टार्ट वाला आइकन पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड तुम्हारा ये वाला जो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब उसी रिकॉर्डिंग का यूज करके तुमको जो है वीडियो बनाना है, ठीक है। अब वीडियो कैसे बनाना है, ये वाला रिकॉर्डिंग को जो काइनमास्टर पे कैसे लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जूम वगैरह करना पड़ेगा, वो सारा चीज भी मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब मैं यहाँ पे जो काइनमास्टर पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, देन उसके बाद तुमको यहाँ पे जो रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, तो 9:16 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड अब तुमको यहाँ पे वीडियो जो भी तुमने रिकॉर्ड किया था स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो वाले वीडियो को लाना है, ठीक है। लाइक हमने ये वाले वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड किया था स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जो है ऑप्टिकल इल्यूजन को रिकॉर्ड किया था, उसको सेलेक्ट करके तुमको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। तो जो हमने यहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन को यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया था वो वाला हम लोग का ऑप्टिकल इल्यूजन यहाँ पे आ चुका, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं तुमको काफी मस्त बात बताने वाला हूँ, तो उसको भी तुम जरूर सुनना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ये वाला जो है स्क्रीन रिकॉर्ड किया, ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर का मतलब जो ऑप्टिकल इल्यूजन था उसका हमने यहाँ पे जो स्क्रीन को जो है रिकॉर्ड करके उसको यहाँ पे जो मतलब सेव किया अपने गैलरी पे, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो गैप आ रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ ही साथ ये बटन वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि रिकॉर्डिंग है दैट्स व्हाई कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसको तुमको हटाना है। ये बटन आ रहा है साइड में, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ब्लैक स्क्रीन करके आ रहा है, तो ये सबको तुमको हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा पेन एंड जूम का, ठीक है। इसको तुमको क्लिक कर देना है और इसको कुछ स्टेप से जूम कर देना है दोनों फिंगर से, ठीक है। थोड़ा जो है बटन वगैरह को हाइड कर देना है एंड जूम करके जो है इसको प्रॉपरली फिट कर देना है, एंड यहाँ पे इक्वल का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इक्वल पर क्लिक करके यहाँ पे जो टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रॉपरली फिट हो चुका है हम लोग का ऑप्टिकल इल्यूजन, जो है हम लोग का ये फुल स्क्रीन पे हो चुका है यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि कैप्शन लगाना है, कैप्शन लगाने के लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, एंड मैंने जो ऑलरेडी कैप्शन बना रखा है तो उसको मैं फटाफट से यहाँ पे जो लगा लेता हूँ, ठीक है। गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन, और यहाँ पे नीचे जो मेरा हैदराकिन चैनल का नेम है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन को तुम भी बना सकते हो, आप कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये वाला वीडियो, ठीक है। इसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम उसको देख लेना, अभी बताऊंगा तो फिर वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ हिसाब से तुम देख सकते हो कि हमने ये वाला जो लगा दिया यहाँ पे, अब तुमको यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लाइक मैं अभी तुमको करके दिखाता हूँ। तो आज के ये वाले वीडियो में मैं तुमको यहाँ पे कमाल का जो है इल्यूजन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे तुमको यहाँ पे जो देख के तुमको काफी ज्यादा यहाँ पे जो आश्चर्यचकित लगने वाला है। एंड स्टॉप पर क्लिक कर देना है तो हमारे यहाँ पे जो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी तो मैंने फालतू का कुछ भी बोल दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे ढंग से बोला नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे कुछ स्टेप से यहाँ पे जो है वॉइस जो होता है तुम्हारा उसको भी रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ऑडियो पर क्लिक करके जो है तुमको जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको भी लगा लेना, ठीक है। लाइक मैं तुमको लगा के दिखाता हूँ, ये बीजीएम पर हम लोग का बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिया, ठीक है। वॉइस ओवर भी लगा देना है, एंड तुम चाहो तो यहाँ पे जो है एक एरो वगैरह भी लगा सकते हो कुछ स्टेप से एडिटिंग के टाइम। लाइक मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एरो है, ठीक है। जब तुम यहाँ पे बोलोगे कि तुमको जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है 30 सेकंड के लिए, तो कुछ हिसाब से तुम यहाँ पे जो एरो लगा सकते हो ये वाला टाइमर पे, ठीक है। एंड एरो लगा के जो है तुम उसको ऑडियंस को बता सकते हो कि यहाँ पे तुमको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो कुछ हिसाब से तुम एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वाला हम लोग का मेन टॉपिक था कि इसको तुमको फाइंड कैसे करना है इल्यूजन को, ठीक है। एडिटिंग वगैरह तो वो सारा तुम जानती हो, ठीक है। बाकी और भी मेरा बहुत सारा वीडियो है, तुम वो वाला भी वॉच कर सकते हो, सारा का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। एंड सेव करने के लिए तुमको तो पता है यहाँ पर क्लिक करके जो है तुमको उसको सेव कर लेना है। नाउ फाइनली गाइस, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो को क्रिएट कर लिया है, तो तुम भी काफी सिंपल प्रोसेस का यूज करके ये वाला वीडियो बना सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले तुमको ये ऑप्टिकल इल्यूजन वाले वीडियो क्लिप्स को फाइंड कर लेना है। अब गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, वहाँ से तुमको फाइंड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के लिए मैंने तुमको बता दिया कि तुमको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का यहाँ पे यूज कर लेना है। एंड उसको काइनमास्टर पे ले जाकर थोड़ा तुमको यहाँ पे जूम कर देना है, एंड कैप्शन वगैरह लगाने के बाद वॉइस ओवर लगा देना है, एंड तुम्हारा यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको यहाँ पे यूज कर लेना है, एंड उससे तुम्हारा यहाँ पे वीडियो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। एंड अगर एक जो यहाँ पे लास्ट बात मैं तुमको बताना चाहता हूं वीडियो के एंड में, वो ये बात है कि तुम लोग यहाँ पे जो फैक्ट वीडियो बनाते हो तो उसमें भी यहाँ पे काफी ज्यादा जोड़ना होता है, ठीक है। लाइक उसमें स्पोर्ट्स का जोड़ना होता है, एक हॉरर फैक्ट्स होता है, एक तुम्हारा एक यहाँ पे जो रैंडम फैक्ट्स होता है, ठीक है, और तुम्हारा एक कुछ इस टाइप का भी फैक्ट होता है एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, मतलब इसमें भी तुम्हारा जो बहुत सारा सब जोड़ है, ठीक है, जिसपे तुम यहाँ पे वीडियो कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से अभी जो ये ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो अगर तुम्हारा एक फैक्ट चैनल है, तुमने अभी तक ये ऑप्टिकल इल्यूजन वाला एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो डेफिनेटली अब तुमको यहाँ पे जो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो को यहाँ पे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, बिकॉज ये वाला वीडियो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगर तुम्हारे एक बार ये वाला वीडियो वायरल हो जाता है तो उससे तुमको यहाँ पे काफी ज्यादा व्यूज मिल जाएगा, काफी ज्यादा तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइबर मिल जाएगा, जिससे तुम्हारे चैनल पे काफी ज्यादा तुमको बूस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एंडिंग में गाइस मैं तुमको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमने अगर ये वाला वीडियो नहीं बनाया तो तुम आज ही जो है या फिर जब भी तुम्हारा अपकमिंग वीडियो आने वाला रहेगा तो उसमें तुम ये वाला इल्यूजन वाला वीडियो जरूर ट्राई करना, ठीक है, बना के। जितना भी तुमको वीडियो लगे तुम 15-20 वीडियो ये वाला ऑप्टिकल इल्यूजन वाले से रिलेटेड डाल सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे बंदे जो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला वीडियो का यूज करके जो काफी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है अभी करंटली, देख सो ये चीज को मैंने यहाँ पे जो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी यहाँ पे शेयर कर दिया है कुछ हिसाब से, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट में थोड़ा यहाँ पे बाद में ऐड कर रहा हूँ वीडियो में, तो अगर तुम अभी तक यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन पर 29 के ये वाला कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट मैं रीशूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे वीडियो को मैं यहाँ पे जो एक्सपोर्ट पे लगा दिया था, ठीक है, बट मुझे सडनली याद है कि मैंने यहाँ पे कॉपीराइट के बारे में नहीं बताया, फिर मुझे याद है कि तुम लोग यहाँ
पे कमेंट करो कि हैदराबाद इस पे कॉपीराइट आएगा या फिर क्या होगा। तो गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसमें कॉपीराइट का कोई भी ट्रिप नहीं है, तुम लोग जितना चाहो उतना जो यूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी टाइप का कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। तो अब गाइस तुमको अगर यहाँ पे काफी अच्छा वाला बैकग्राउंड म्यूजिक को फाइंड करना है तुम्हारे ये वाला जो इल्यूजन वाला वीडियो होता है इसमें यूज करने के लिए, तो तुम ये वाले वीडियो को यहाँ पे वॉच कर सकते हो। एंड अगर तुमको अपने इल्यूजन वाले वीडियो में एडिटिंग करना है तो उसके लिए तुम ये वाले वीडियो को यहाँ पे वॉच कर सकते हो। एंड अगर तुमको मेरे यहाँ पे कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे चैनल यहाँ पे अच्छा लगता है, तो तुम ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलता हूं यार मैं तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक तुम जहां पर भी हो जैसे भी हो, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग, कीप गोइंग।